सत श्री अकाल जी। सितारे की कहिंदे ने प्रोग्राम विच आप सब दा स्वागत, मैं जसीमा। देखो जी, कहिंदे आ कि सच्चा दोस्त उही है जो तुहानू सही सलाह देवे, ते कई वारी तुहाडी गलती ते तुहाडे नाल नाराज भी होवे ते तुहानू डांट भी देवे, क्योंकि उह तुहाडा नुकसान नहीं चाहुंदा। चापलूसी करन वाले दोस्त नहीं हुंदे, उह ते हमेशा अपना फायदा ते नाल तुहानू सही सलाह नहीं दे सकते। इस करके अपने सच्चे दोस्त उही ने जो तुहानू बेशक कई वारी डांट भी देन, नाराज भी हो जाण, पर तुहाडा नुकसान ना हो दे। इस करके नाराज हुंदे दोस्तां नू हमेशा मना भी लेना चाहिए। ये सी जी अज दा शुभ विचार। इसे शुभ विचार नाल आपां करदे हां अज दे प्रोग्राम की शुरुआत। जानांगे पंचांग, पंचांग मुताबक की कहिंदे आ तुहाडे सितारे, इस ते चर्चा करांगे ते प्रोग्राम दे अखीर विच वास्तु टिप भी दसांगे। देखिया जावे तो अज 16 अगस्त 2023 दिन है जी बुधवार दा। तिथि की गल की जावे तो मस्या का दिन है अज, है ना। मस्या का दिन यानी बुधवार वाले दिन अज सौण महीने की मस्या रहेगी, तो श्रावण अधिक मल महीना भी शुरू हो जाएगा। तो अज के दिन मस्या वाले दिन चंद्र महाराज जो ने कर्क राशि विच शाम को 4:57 तक बने रहे, तो उस तो बाद चले जाएंगे सिंह राशि विच। बुधवार वाले दिन 12 बजे तो लैके 1:30 बजे का टाइम राहुकाल का रहेगा, वरी योग लगे रहेगा, तो अश्लेषा नक्षत्र चलेगा शाम को 4:57 तक, यानी शाम को 5 बजे तक अश्लेषा बुध का नक्षत्र, उस तो बाद केतु का नक्षत्र, पूरा दिन रात जन्म लैन वाले बच्चे गंढ मूल की पूजा लगन वाली है। सितारियां दे हिसाब दे नाल जी सूरज चंद्र ते शुक्र दी युति भावें कल भी बनी हुई सी, पर सूरज दे नाल चंद्र दा बैठना ही मस्या मन्नी जांदी। बुधवार दी मस्या दा दिन किस तरह दा जाएगा, सूरज चंद्र दी युति ते की करना चाहिदा ते की नहीं करना चाहिदा, इस ते चर्चा करन तो पहला आपां मुबारकां देईए उहनां नूं जिन्हां दा जन्मदिन है, शादी दी सालगिरह है। बहुत ही अच्छा जावे तुहाडे लई ये साल। मस्या दे दिन ते अपने ईस्ट ते मत्था टेकना बहुत शुभ मन्निया जांदा है। वड्डे वडेरियां दे नां ते किसे जरूरतमंद दी मदद करना उस तों ज़्यादा शुभ मन्निया जांदा है। उहनूं नहीं कुछ देना चाहीदा जिसनूं तुहाडी चीज़ दी जरूरत नहीं है। दुनियादारी दी चीज़ां दुनियादारी दे लोकां लई ही बणियां ने, ते इस करके उहनां दी मदद करो जो अपनी मदद आप नहीं कर सकदे, ते वड्डे वडेरियां दे नाम ते भी दान जरूरतमंद नूं ही देना चाहीदा, ठीक। परमात्मा नूं किसे चीज़ दी जरूरत नहीं है। चलो 12 राशियां वाले ने अज की करना है इस ते चर्चा करते हैं, ते नाल ही आपां दसांगे कि मस्या वाले दिन दा खास उपा, माता पिता दा आशीर्वाद लेना, बहुत अच्छा साल जावे तुहाडा इह, ते नाल मस्या दे दिन ते एरिज यानी मेष राशि वालियां दा अज दा दिन किस तरह दा जाएगा, इस ते चर्चा करते हैं। मंगल दी एनर्जी बुध दे नाल, मंगल बुद्धि युति सिंह राशि विच, ते नाल बुध दा इह नक्षत्र है जो तुहाडा अज मित्र नहीं है, इस करके सेहत लई सितारे अज थोड़े जिहे ढिल्ले रहणगे। वैसे भी मस्या का दिन है तो थोड़ी एनर्जी डाउन, तो थोड़ी सुस्ती जी पई जा पई रहेगी शरीरक तौर पर, सितारे ढिले ने जिदा आपां दस्सिया। तो की करना है, मंगल की एनर्जी को शुभ करने के लिए मस्या वाले दिन धार्मिक स्थान पर जा सकते हो तो बहुत अच्छा, इशनान करना शुभ मनिया जाता है, पर फिर भी अगर नहीं जा सकते तो घर में पानी में गंगा जल या धार्मिक स्थान का जल पा के इशनान जरूर करो, अखा से छिट्टे मारो या सिर में थोड़ा जहा पा लो। की होएगा, चंद्रमा की एनर्जी नहीं है अज, मन ही है, क्योंकि आसमान में जिस ग्रह की एनर्जी है उसके प्रभाव हेठ ही असं अपना जीवन बतीत करते हैं, तो थोड़े चौल दुद्ध भी चल प्रवाह कर दो। लक्की कलर अज तुहाडा ऑफ वाइट रहेगा, टॉरस यानी ब्रिख राशि। सितारियां के हिसाब नाल जो नक्षत्र है बुध का मित्र ही है, इसलिए धन लई कामकार लई की गई भज नठ पूरा अच्छा रिजल्ट देने वाली है, तुहानू दिन तुहाडा बेस्ट जाएगा। बुध जो है मंगल नाल चल रहा है, तीसरे स्थान विच है, अपनी हिम्मत नाल कीते काम ही अपने दम ते सफलता देणगे, दूजे वाल तकना कम्माकारां नूं लेट ही कराएगा। तुलसी दे पत्ते दा सेवन सवेर तो कर लो, जां हरी इलायची दा सेवन भी कर सकदे हो, जिस दे नाल बुध दे नक्षत्र दा फायदा हो जाएगा। ते लक्की कलर अज तुहाडा रहेगा फिरोजी कलर। जैमिनी यानी मिथुन राशि वालियां दे लई जामनी कलर अज लक्की रहेगा, नक्षत्र मित्र ही है, ते नाल चंद्र जो है वह धन स्थान विच है, तो कह सकते हैं धन लई कामकार लई सितारे शुभ ने। थोड़ी जी वाणी विच तत्तापन रह सकता है, अपने बारे सोचना अपने लई सोचना शुभ ही है, इस करके नुकसान तो कोई नहीं होने वाला, पर सूरज शुक्र की ज्योति थोड़ी स्किन प्रॉब्लम कर रही होवे तां दही धार्मिक स्थान पर अज तुसीं रख सकते हो। कैंसर यानी कर्क राशि वाले लक्की कलर अज तुहाडा रहेगा जी पीला रंग, ते नाल चंद्र लगन विच है, चांदी के गिलास पानी पीना, कच का गिलास यूज ना करना, माता की सलाह नाल चलना, मां के पैरी हाथ ला के जाना, समझो अज के दिन ही शुभ बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा तुहाडे लगन का मालिक दए, अज एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिल रही, तो बुध का नक्षत्र भी तुहाडा मित्र नहीं है, इस करके हर चीज़ हर फैसला अपने परिवार माता पिता की सलाह ना लो, ता कि चंद्र की एनर्जी शुभ रहे। चांदी भी अपने को रख लैनी, दिन होर बेस्ट बनाएगी। लियो सिंह राशि वाले
सितारों के हिसाब से चंद्रमा 12वें स्थान में रहेगा। बुध का नक्षत्र मित्र ही है, धन ते इनकम का मालक है बुध, इसलिए धन ले इनकम ले सितारे तुहाडे बिल्कुल शुभ ने। हरी मूंगी जां सतना जां पंछियां नूं पा दो, बुध होर अच्छा फल देगा जो तुहाडे लगन विच चल रहे हैं। हरा रंग ही तुहाडा अज लकी रहने वाला है। थोड़ा गुस्से ते मंगल की वजह नाल कंट्रोल रखोगे तो मंगल शुभ फलदायक ही रहेगा। जल्दी उठना, सूरज के दर्शन करना, सूरज ते मंगल दोनों की एनर्जी नूं शुभ करेगा। वर्गो जानी कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों के हिसाब के नाल जी हल्का जिहा ब्राउन कलर अज तुहाडा लकी रहने वाला है। बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे तुसी, अपने परिवार को लैके, माता की सेहत को लैके व्योंतबंद तरीके नाल तुसी हर किसी नूं सैटिंग करने बारे सोच रहे हो, पर जो हर काम तुहाडी मर्जी नाल जां तुहाडी सोच मुताबक नहीं हुंदा तां थोड़े इरीटेट तुसी ज़्यादा हो जाने, क्योंकि तुहाडे लगन का मालक 12वें स्थान में चल रहा। ठीक, तो बुद्ध नूं शुभ करन दे लई की करना है जी, तुसी कंजकां नूं कुछ ना कुछ खाण नूं दो, वैसे भी मस्या दा दिन है, अपने इष्ट ते जाके जां राधा कृष्ण ते जाके चिट्टे फुल चढ़ा के आओ, बहुत अच्छा हो जाएगा। लिबरा जानी तुला राशि वालों के लिए बुद्ध नक्षत्र मित्र ही है, बुद्ध भावें शुक्र का मित्र है पर क्योंकि 12वें खाने का मालक है तो चल रहा है मंगल दे नाल, ते शुक्र किदे नाल बैठा है सूरज दे नाल। जदों तक सूरज इत्थों नहीं निकलता उदों तक परेशानियां एक गई तो दूजी आई, तो घर में छोटी छोटी गल ते परिवार नाल झगड़े वध सकदे आ, बस इस चीज़ तो ध्यान रखना है। खज्जल खुआरी दिमागी तौर पर रह सकती है। कोई भी पेपर साइन करना है, किसी तरह का भी कोई डील करनी है किसी नाल, तो थोड़ी सोच समझ के करनी चाहिए आ, तो हर पेपर ध्यान नाल रखो, कोई चलान वगैरह भी कट्टिया जा सकता है। केतु की एनर्जी नूं शुभ करन दे लई काले चिट्टे तिल अज तुसी जल प्रवाह कर सकते हो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले धार्मिक स्थान पर जा रहे हो तो इशनान जरूर करके आओ, नहीं तो घर में कच्ची लस्सी पा के पानी विच दूध पा के कच्ची लस्सी बन गई ना तो उस दे नाल इशनान करो। चंद्र बड़ा अच्छा फल देगा तो किस्मत का साथ मिल जाएगा, क्योंकि किस्मत स्थान में चंद्र तुहाडी किस्मत का मालिक है। मस्या के दिन तो कुछ ना कुछ परेशानियां आ जांदियां ने, तो ऐ लगता कि अपने आप नूं कि नहीं जां नजरां लग गई तो जां साडी किस्मत ही खराब, किस्मत नूं कदे नहीं कोसना चाहिए, सब की किस्मत अच्छी है पर थोड़ा वक्त ही खराब है। तमस्या के दिन तो अज एक नारियल लैके अपने तो बार के जल प्रवाह कर दो, कोई भी किसी तरह की एनर्जी होएगी बहुत शुभ फल हो जाएगा, तो दिन का उपाय भी हो सकता, हल्के रंग पहनो। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए चंद्र 8वें स्थान में रहेगा, बुध का नक्षत्र नुकसान तो नहीं करने वाला क्योंकि किस्मत स्थान में मंगल नाल विराजमान है, पर फिर भी चंद्र का 8वें स्थान में बैठना मानसिक तौर पर ढह ढेरी करके ही रखेगा, मतलब मन अजीब जे भय ते डर विच बनिया रहेगा कि कितने इदा ना हो जाए, कि हर डिसीजन लैण विच थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। पानी तो थोड़ी दूरी बना के रखनी, ठंडियां तत्तियां चीज़ों का परहेज ध्यान नाल करना है, सेहत का ध्यान रखना है। कामकारां ने तो जो चंद्र ने अगे जाना है वो तो हो ही जाएंगे, तो उदासी तो बचने के लिए दुध मत्थे ते सवेर तो लाओ ते नाल गंगा जल की कुरली कर लो। कैपरीकॉन मकर राशि वालों के लिए बुध का नक्षत्र मित्र है, किस्मत का साथ मिलेगा, विदेश लई रस्ते खुले। सब तो जरूरी सरकारी नौकरी करने वालों नूं अपना काम समय सिर नबेड़ लेना चाहिए है, अपना काम दूजिया ते नहीं छड़ना चाहिए, तो दूजिया नाल ज़्यादा बहसबाजी करने विच टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए है ना। अज के दिन नूं बेस्ट बनाउण दे लई तुसी पिस्ता कलर पहन सकते हो, ते नाल शनि की एनर्जी नूं शुभ करने लई शनि मंदिर एक नारियल जां महां दी दाल दे सकते हो। अक्यूरस यानी कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वालों के लिए सूरज चंद्र ते शुक्र की युति 6वें स्थान में बनी हुई है, तो नाल बुध का नक्षत्र जो चल रहा है, तो बुध तुहाडे 7वें स्थान में सूरज के घर में मंगल नाल विराजमान है, तो इस करके 99 ते जाके थोड़े जे काम खराब थोड़े हो जाते हैं जो तुहानू परेशानी का कारण बनते हैं। तो पेपरों का डिले होना जां किसी पासपोर्ट वगैरह बनाना जां कोई पेपर देना जां कोई तुसी कह सकते हैं कि कोई तरीक लैनी है तो उसका अगे अगे होना तुहानू परेशान कर सकता है, मंगल बुध की युति करके। पर क्योंकि बुध अच्छा है, मस्या का दिन है अज, तो मस्या वाले दिन से अपने ईस्ट नूं पीले फुलां दा हार चढ़ाओ, मत्था टेक के आओ दहलीजां ते जाके, ते एक दुध दा पैकेट तुसी भैरो मंदर अज रख सकते हो। कंजकां नूं कुछ ना कुछ देन ते 6वें बैठा चंद्र ते शुक्र दी युति शुभ फल देगी। पाइसिस यानी मीन राशि वालों के लिए अज के दिन मस्टर्ड कलर जां खाखी कलर लकी रहेगा, तुहाडा मत्थे ते सवेर तो चंदन जां केसर जां हल्दी लगा के ही रखो तो चंगा है। बुध दा नक्षत्र मित्र नहीं है पर चौथे ते 7वें खाने का मालिक है, इस करके नुकसान नहीं करने वाला, सुखां दा भी ते काम कारां दा भी चंगा रहेगा बुध, क्योंकि 6वें स्थान विच है। शुभ शुभ बोलना अपने लिए भी, अपने परिवार लई, अपने लई, तुहानू अगे कामयाबी दे रस्ते जरूर खोल देवेगा। बुजुर्गों के पैरी हाथ लगाने ते बृहस्पत का फल भी शुभ हो जाएगा, ते मस्या दे दिन ते तुहानू पता ही है आपां धार्मिक स्थान पर कुछ ना कुछ चढ़ाते रहना चाहिए है, लंगर विच कुछ दे सकते हो जिदा माहां दी दाल दे सकते हो, अज हरी मूंगी दे सकते हो, पीली दाल दे सकते हो, ताकि बृहस्पत बुध ते चंद्र
तीनों ही अच्छा फल दे जाए। एसी जी तुहाडे सितारे ग्रह मुताबक की प्रभाव पाउंदे आ, ग्रह गोचर नक्षत्र दे मुताबक आपां चर्चा कीती। देखिया जावे तां तकरीबन सितारियां नूं असीं कई चीज़ां नाल वास्तु दे मुताबक कई चीज़ां शुभ करन ते बहुत कुछ अच्छा कर लैंदे आ, है ना। सपने दे विच कुछ चीज़ां जदों कोई पंछी दा दिखना जां रखना घर विच, जिदा कुत्ते वगैरह रखते हैं, आपां कुत्ता रखते हैं तां केतु शुभ हो जांदा है। तोता रखना भी मन्या जाता है घर विच के सही है, पर जिन्हां दी जन्म पत्री विच बुध आशुभ होवे, सही फल ना दे रहा होवे, बिजनेस अच्छा ना चल रहा होवे, खानदान दीआं कुड़ियां सुखी ना होण, कुछ ना कुछ परेशान होण, तां उहनां नूं घर विच तोता नहीं पालना चाहिए। बुध खराब दी निशानी है। वैसे भी किसे पंछी नूं पिंजरे च पा के रखना कित्थों तक सही है, तां इस करके आसमान विच उड़दे पंछी ही अच्छे लगदे आ, आजादी हर किसी नूं पसंद आ, ते जिहदा बुध खराब है उसनूं घर विच तोता नहीं पालना चाहीदा। अगे भी तुहानूं वास्तु टिप ग्रहां मुताबक देंदे रहांगे, दसदे रहांगे। हुण समां हो गया इजाजत दा। आप सब दा अज दा दिन बहुत अच्छा जावे, खुश रहो, मुस्कुराउंदे रहो। जी मिंदो, इजाजत, सत श्री अकाल।